ஆ வெரி நல்ல क्वेश्चन है ना. अभी तक अपन बिना प्रॉपर्टीज के क्वेश्चंस में ही चल रहे हैं, ठीक है. ये क्वेश्चन आप सॉल्व करने की कोशिश करते करते थक जाओगे अगर भाई देव आपको इसकी की नहीं समझ में आई तो. ये जो कॉस स्क्वायर लिखा है ना, इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस एक्स बाई टू, सही है. और साइन साइन एक्स में इसको लिखते हैं सही है. अच्छा, अब जो ये लिखा हुआ है जीरो से लेकर के पाई बाई टू ए टू द बार एक्स, इसको मैंने लिखा कॉस ब्रैकेट के अंदर साइन एक्स बाई टू प्लस साइन साइन एक्स बाई टू. सोचना, प्लस एक और ले रहा हूं, ठीक है. इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो इट इज कॉस एक्स इंटू कॉस साइन एक्स बाई टू माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स बाई टू डॉट डी एक्स. मजा आ जाएगा, आप जरा दिमाग लड़ाओ. देखा आपको क्या इसकी चाबी लग गई, दिमाग लगाए. क्या पता इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, पहले किसका होगा, तो माइनस साइन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का कॉस एक्स. तो माइनस साइन साइन एक्स कहीं है क्या, माइनस साइन साइन एक्स इंटू बाई टू, बाई टू तो ही ठीक है. अब जरा इसका डिफरेंशिएशन सोचो, साइन साइन एक्स का कॉस साइन एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस साइन एक्स और एनएक्स का कॉस एक्स बाई टू. क्लिक कर गया, इसका मतलब ये तो आंसर तो आएगा, इसका मतलब ये की बार एक्स ब्रैकेट में कितना सॉल्व तो कर लेंगे. जो अगला क्वेश्चन है इस तरह का एक भी क्वेश्चन दे दो, कितना भी अच्छा इंटीग्रेशन आता हो, कितना भी अच्छा आता हो, आधे बच्चे तो इसको टच भी नहीं करेंगे. सही है. एच एक्स बराबर एफ ओ जी ऑफ एक्स प्लस के, ऐसा कुछ दे दिया. डिफरेंशिएशन ऑफ एच एक्स बराबर में इतना दे दिया. मतलब ये सब वो कॉमन क्वेश्चन है ना जिनका मतलब 100% स्टूडेंट दूर दूर भागता है, राइट है. अब जरा धीरे धीरे बात को समझते हैं. इंटीग्रेशन में एक बात की गांठ मान लीजिए, ये दिया जाना आपके लिए अपने आप में बहुत बड़ा हिंट होता है कि एच एक्स का डिफरेंशिएशन ये है. ये मतलब एक कॉमन फिनोमिना है क्वेश्चंस की स्टार्टिंग देने का. आप नहीं पकड़ पाते क्योंकि आपकी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है ना. लेकिन एक नॉर्मल आदमी भी जिसने 2-3 क्वेश्चन ऐसे लगा लिए वो स्ट्राइक कर जाता है कि डिफरेंशिएशन दे दिया, इसका मतलब इंटीग्रेशन दे दिया, एच एक्स का डिफरेंशिएशन ये है,
इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन है चेक से। तो आपने दिमाग लगाया माइनस में साइन एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस एक्स डॉट डी एक्स बराबर एच एक्स है भाई, सही है भाई? नहीं, ये बात समझ में आ गई है ना भाई? अरे अब आप इसको समझिए कि अगर कोई भी इसको डील करना चाहेगा तो उसे सिर्फ कॉस एक्स को टी मानने की देर है। कॉस एक्स को टी मानते ही माइनस साइन एक्स डॉट डी एक्स डी टी, इसका मतलब ऊपर वाला और नीचे वाला कॉस स्क्वायर टी बराबर में एच एक्स चल रहा है भाई, सोच लिया? अब ये sec स्क्वायर टी लिखा है, sec स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन tan t, तो आपको यहां से बदल गया, इसीलिए आप कह सकते हो कि hx is equal to tan t, tan t का मतलब tan cos x, सही है भाई? प्लस के सही है ना भाई? अब आप दिमाग लगाइए hx बराबर में fog of x है, नहीं आया बात समझ में? बट hx is equal to कितना गिवन है f of जी एक्स प्लस के, क्या ये बात पकड़ में आ गई? yes, इसका मतलब ये कि आपको एफ एक्स पकड़ में आ गया। yes, अब आप दिमाग लगा चुके हो कि एफ एक्स कौन है। yes, बिल्कुल, तो आपको एफ एक्स ही पकड़ में आ गया। आपने दिमाग लगाया कि एफ एक्स इज इक्वल टू है ना, इसलिए एफ एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स एंड जी एक्स इज इक्वल टू, चलो दो काम तो पक्के हो गए। अब धीरे धीरे अंदर चलो, इसमें क्वेश्चन के अंदर ये देखा है जे एक्स, सही है ना भाई? जे एक्स बराबर दे रखा है एफ टी अपॉन जी टी, तो आपने जे एक्स सोचा implies jx is equal to integration of, ठीक है ना, ft की जगह हो जाएगा tan t upon cos t dt, और integration में limit कहां से कहां तक? gx, gx का मतलब cos x और ऊपर tan x, यहां तक बात पकड़ में आ रही है, सही है ना भाई? अच्छा tan t का मतलब 1 upon cos t, नहीं छोड़ो आप, तो ये लिखा हुआ है sec x tan x, सोच लिया? sec t tan t का इंटीग्रेशन, sec x tan x का इंटीग्रेशन, sec x, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया sec t, और लिमिट कहां से कहां तक? cos x से लेकर के tan x तक, सही है भाई? ये कौन आया? jx, मांगा क्या जा रहा है? j0, तो find j0 के टाइम पे मुझे सिर्फ क्या करना है? x की जगह 0 लगाना है, तो imply j0 is equal to what? j0 is equal to sec t, और यहां cos 0 से लेकर के tan 0, क्या ये बात समझ में आ गई? tan 0 बोले तो 0, तो यहां हो जाएगा sec 0 राइट है, माइनस cos 0 बोले तो 1, तो इट इज sec 1, तो दैट इज 1 माइनस sec 1, क्वेश्चन डन, ठीक है ना भाई?
अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसा ही, जिसको देख करके अपन फिर कट लें, ठीक है ना। लेकिन क्या ऐसे क्वेश्चन, मतलब ये सब वही है, मतलब पुरातन प्रश्न है, ठीक है ना, कहीं भी मिल जाएंगे आपको, कभी भी मिल जाएंगे। और ये बहुत अच्छे और आसान क्वेश्चन है। इंटीग्रेशन में आइए, पाई बाय फोर से लेकर पाई बाय थ्री, थोड़ी सी भी, जिसने थोड़ा धैर्य धर के, मतलब लड़ाई, मतलब भागना नहीं है इस क्वेश्चन से, मत भागो, मत भागोगे तो मैं समझा नहीं पाऊंगा। लेकिन अगर आपने दो मिनट इसको ढंग से देख लिया तो बोल रहेगा इस वाली पार्टी की डिग्री 2007 है, नीचे की दो की डिग्री, तो एक काम करो 2007 इधर कर दो, 2009 से 2007 इनको दे दो। नहीं आया समझ में? अभी समझ में आ जाएगा। देखो यहां बच गया कितना, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही है ना भाई। इस ब्रैकेट के नीचे जानबूझ करके साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा छोड़ दो, क्योंकि आप 2007 डिग्री इधर ट्रांसफर कर रहे हो, सबको 2007 वाला बना दो, आपको पता चलेगा इधर क्या बन गया, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 2007 अगर अपने बाहर कर लिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आप इधर छोड़ गए, है ना, इज इक्वल टू डॉट डी थीटा चलता रहेगा। अब फिर दिमाग लगाओ, है ना भाई। नहीं अभी टाइम है डिवाइड करने का, शायद मुझे लगता है डिवाइड हो जाएगा, सही है। आप मुझे बताओ, जिस दिन इसमें इसका भाग जाएगा तो साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, सोचा आपने, ब्रैकेट में रह जाएगा सेक थीटा टेन थीटा। आप थोड़ा स्लो दिमाग लगा रहे हो, इसमें डिवाइड लगते कॉस कॉस कट गया, ऊपर कॉस रह गया, कॉसेक थीटा कॉट थीटा, वेरी गुड, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में कॉसेक स्क्वायर थीटा, श्योर है, इनटू के अंदर जब तक इसमें डिवाइड मारो सेक थीटा, वेरी गुड, प्लस कॉसेक थीटा, आगे बोलो, प्लस कॉट थीटा की पावर 2007 डॉट डी थीटा। शायद कोई किसी का टी है, किसको टी मानो, इसको या उसको, हाँ ये टी है, अगर ये टी है तो ये पूरा डी टी है भाई, तो आपको बदल गया ये टी की पावर 2007, तो इंटीग्रेशन होने पे टी टू द पावर, टी टू द पावर 2008 डिवाइड बाई 2008 प्लस सी कर दो, यहां तक बात बन गई। अच्छा प्लस सी तो तब करेंगे जब डेफिनेट इंटीग्रेशन ना होगा, अभी तो इसमें लिमिट भी लगेगी, ठीक है ना भाई, अपने लिमिट चेंज नहीं करी है, कर दूं, लिमिट भी चेंज करते हैं, आओ, है ना, इसको टी माना, इस थीटा में अपन लगते हैं कितना, पाई बाय फोर, सेक पाई बाय फोर रूट टू, इसमें पाई बाय फोर रखते ही फिर रूट टू, टू रूट टू, इसमें पाई बाय फोर रखते ही वन, आपको लिमिट चेंज तो करनी आती है, बताओ मैं क्या रखूंगा, पाई बाय थ्री अपर लिमिट, सही है ना भाई, तो यहां पे टू रूट टू प्लस वन हो गया, और अपर लिमिट के लिए मैं क्या रखूंगा, अरे अभी तक तो सॉरी अभी तक तो पाई बाय फोर ही रहने दो आप, तो क्यों, क्योंकि अभी यहां तक तो थीटा है, यहां चेंज हुआ, हाँ भाई, अब अगली बार क्या रखूं, पाई बाय थ्री, सेक पाई बाय थ्री टू, श्योर टू, अच्छा इसका टू, टू और टू फोर, अरे कॉसेक पाई बाय थ्री भी टू, ना ना सॉरी टू बाय रूट थ्री, टू प्लस टू बाय रूट थ्री, और कॉट पाई बाय थ्री वन बाय रूट थ्री, सही भाई, तो थ्री बाय रूट थ्री, थ्री बाय रूट थ्री बोले तो रूट थ्री, सही है। अगर मैंने अपर लिमिट डाल दी तो आपको समझ में आ जाएगा टू प्लस रूट थ्री की पावर 2008 माइनस कितना टू रूट टू प्लस वन टू द पावर 2008 एंड होल डिवाइड बाई 2008। अब क्वेश्चन वाले से मिलाओ, वो कह रहा है ए प्लस रूट बी, ए की वैल्यू बोलो ए इज इक्वल टू टू, बी की वैल्यू बोलो थ्री, सी की वैल्यू बोलो, नहीं सही सोच के बोलना, सी की वैल्यू एट लिख दो, डी की वैल्यू बोलो 2008 ऐड कर लोगे, अगले बैठो।
अगला क्वेश्चन, ठीक है? ये मैं हल्के अंदर नहीं करूं, क्वेश्चन धीरे धीरे, ये समझ में आ रहे हैं आपके? हाँ भाई, तो अगला क्वेश्चन फिर आपको और अच्छा लगेगा। फिर से बहुत काम का क्वेश्चन है ना, लाइन के अंदर अपना तीसरा चौथा अच्छा क्वेश्चन जो आपको दिमाग में रखना है कैसे करना है। देखिए साहब, ये तो बात पक्की है कि स्टार्टिंग ऐसे हो जाएगी। अरे इसमें क्या नया है, ये तो बचपन से पता है हमारे को, साइन इंटू साइन होगा तो टू लगा लो, टू लगाते ये कॉस माइनस कॉस हो जाएगा। अरे ये इसमें करना क्या था, कॉस इन दोनों का डिफरेंस अल्फा माइनस बीटा एक्स माइनस कॉस अल्फा प्लस बीटा एक्स। अरे इतना तो सबको पता ही है भाई, ये तो करना ही है हमारे को। अच्छा यहाँ जीरो से वन है, यहाँ भी जीरो से वन कर लो, इसको आई मान लो वन बाई टू। अब इसका इंटीग्रेशन भी तैयार कर लेते हैं, कॉस अल्फा माइनस बीटा का इंटीग्रेशन साइन, आप भूल ही गए इंटीग्रेशन भी, साइन अल्फा माइनस बीटा एक्स अपॉन माइनस में साइन अल्फा प्लस बीटा एक्स अपॉन अल्फा प्लस बीटा, और आपकी लिमिट जो लगेगी वो जीरो से वन वो जो लग जाएगी सो लग जाएगी। यहाँ तक तो कोई परेशानी नहीं। अच्छा अगर आपको यहाँ तक कोई परेशानी नहीं तो फिर अब थोड़ा दिमाग लगाने का टाइम आएगा, इससे पहले कि आप लिमिट पुट करके अपना आंसर कोट करें। हालांकि लिमिट पुट कर सकते हैं वो कोई बड़ी बात नहीं, आप रख लो, लिमिट रखने पे और आगे चलना है तो आगे चल सकते हैं। ये हो जाएगा वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर कितना, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन अल्फा माइनस बीटा, सही ना भाई? आपका लिमिट लगाने का मन तो नहीं कर रहा, आंसर वन नहीं? अच्छा इधर की तरफ अगर वन रख दिया तो साइन कितना, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, यहां तक की बात पकड़ मांगी, और जीरो रखने पे जीरो। बस अब आपका आंसर ये है, तो फिर उस लाइन का क्या मतलब है जो अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट है, वो मैं बताता हूं आपको। देखो सब, अल्फा बीटा अगर रूट्स हैं किसके, टेन एक्स इज इक्वल टू में टू एक्स के, तो ऑब्वियस ही बात इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो इसका सीधा मतलब है कि टू अल्फा इज इक्वल टू टेन अल्फा होगा और टू बीटा इज इक्वल टू टेन बीटा होगा। आज के टाइम पे मेरी जरूरत इन्हें घटाने की भी है क्योंकि मुझे अल्फा माइनस बीटा की दिख रही है जगह, अगर मैं इन्हें घटा लेता हूं तो ये टेन अल्फा माइनस टेन बीटा होता है। टेन अल्फा माइनस टेन बीटा का मतलब होता है साइन अल्फा माइनस बीटा। अब आप इतना तेज सोच पाओगे क्या, साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, सोच लिया आपने? टेन अल्फा माइनस टेन बीटा सोच गया ना? अब मेरे को पता है, पूरी उम्मीद है मेरे को आपने कर लिया होगा। इसका मतलब आपको ये समझ में आ गया कि कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू नथिंग बट साइन अल्फा माइनस बीटा अपॉन, है ना, टू को इधर कर दूं, ना ना टू को भी इधर आने दो, टू टाइम्स कितना अल्फा माइनस बीटा, सोच लिया आपने? हाँ या ना? अच्छा पैरेलली अगर भाई देव किसी मतलब किसी ने बुद्धि ये लगाई होती कि अगर मैंने घटाने की बजाय मुझे मेरी जरूरत तो अल्फा प्लस बीटा की भी है, तो मैं अगर ऐड करता हूँ तो ऐड करते ही कितना हो जाएगा, टू टाइम्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, तो आपके पास हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन कॉस अल्फा कॉस बीटा, समझ गए आप? अब आप इधर आ जाओ दौड़ के, टू इन दोनों के नीचे लगा दूं तो आप इसे महसूस कर लें, ये लिखा हुआ है कॉस अल्फा कॉस बीटा, सोच लो, और ये क्या लिखा है माइनस में, ये भी कॉस अल्फा कॉस बीटा, सही है ना भाई? तो मैं यहां पे लिख देता हूं कॉस अल्फा कॉस बीटा, बोले तो आंसर इज क्वेश्चन कहता हूं। आगे का नहीं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसमें आप जो जिस बच्चे ने ये सब करा नहीं है ना उसके लिए बहुत पैनिक है ये सिचुएशन अचानक से सामने आना। हाँ उसका देखा हुआ होगा ना तो फिर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बात को याद कर लेगा।
समझ लिया आपने। अगले क्वेश्चन में दो है ना, अगला क्वेश्चन फिर से दिमाग लगा पाएंगे आप, बहुत छोटा परंतु सामने अगर दे दिया जाए, इवन कईयों को तो सॉल्यूशन भी दे दिया जाए तो भी समझ में आ जाए, बहुत अच्छा मान लिया जाएगा कि भाई समझ में आ गया इसको सॉल्यूशन। इतना सिंपल सा क्वेश्चन है, रेडी रेडी, देखें आप इस लेवल तक सोच जाएंगे। मैं सिंपल क्वेश्चन एक नहीं करा रहा, मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं खुद ही बोल रहा हूं, मतलब नहीं करा रहा, ठीक है ना। तो सिंपल क्वेश्चन खड़ा गटगड़ा कर दूं, मतलब आप अगर भाई आप ये सोच लो आपको फोटो खींचने होना तो मैं 30-35 क्वेश्चन खटे कट एकदम से खत्म कह सकता हूं, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो क्वेश्चन जो हमारी शीट की जरूरत है, हमारी सीपीएस की जरूरत है, हमारे जो हमारे को कॉन्फिडेंस देंगे, उस तरह के क्वेश्चन सिर्फ यही है। क्योंकि है ना, छोटे क्वेश्चन से आप ये कभी नहीं बना सकते। जब अभी आपने पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ये 10x बराबर 2x अल्फा बीटा डिस्टिंक्ट रूट है, ऐसी लाइन हमने कभी नहीं करी होती। हमारे लिए रूट अल्फा बीटा में कब आते हैं, जब क्वाड्रेटिक होता है, ऐसे में कभी आता ही नहीं है। तो जब आएगा ही नहीं तो हम कैसे आकर कर यूज करना सीखेंगे, ठीक है ना। एनीवे अब इस पे आता हूं, बहुत ध्यान से समझना है। पीछे dt है इसका, एक्चुअली मैं जैसा मैं बता रहा हूं ना आपको वैसा वैसा सुनना है, और ऐसा कैसे एक बार खुद को समझा लेना है, खुद को जरूर समझा लेना कि मैंने क्या बताया, ठीक है ना। पीछे dt है, इसका मतलब ये कि आपको ये क्लियर है कि t की वैल्यू 0 से 1 में है, दे दी अगले ने t 0 से 1 में दे दिया। अरे ये जब dt होता है तो t की वैल्यू होती है भाई, तो t 0 से 1 में है भाई, इतना तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। t 0 से 1 में ये आपको दे दिया गया था। अब दूसरी बात करो, पहला केस उठा रहा हूं, ठीक है ना। जब आपका x नेगेटिव है, नहीं है, जब आपका x 0 से कम है, बस, तो इसका मतलब आपका x कैसा है, नेगेटिव। सोच लिया आपने, जब आपका x नेगेटिव है, अच्छा x तो ऑलरेडी नेगेटिव है, x के पीछे बैठा हुआ माइनस t है, माइनस t भी नेगेटिव होगा क्योंकि t 0 से 1 में है, तो माइनस t माइनस 0 से माइनस 1 में, सॉरी 0 से माइनस 1 में होगा। तो मतलब t कैसा है, माइनस t भी कैसा है, नेगेटिव। ये आगे वाली पार्टी नेगेटिव, पीछे माइनस t मिलकर नेगेटिव, नेगेटिव और नेगेटिव जुड़ रहे हैं तो नेगेटिव खुल गया। नहीं समझ में आया, तो इसको समझ में आ गया कि x माइनस t भैया नेगेटिव है, और मॉड को पता चलता है नेगेटिव एक माइनस दे देगा। तो जैसे ही ये खुलेगा तो आपके लिए इंटीग्रेशन खुलेगा, i इज इक्वल टू में 0 टू 1 t माइनस x, पकड़ में आ गया आपके, इनटू में कितना cos pi t डॉट dt। अब आप इंटीग्रेट कर सकते हो, नाउ यू कैन इंटीग्रेट। अब आप सोच रहे हो इंटीग्रेशन कैसे होगा, अरे इंटीग्रेशन में क्या अब क्या दंदन है, t इंटू cos pi t अलग, ठीक है, डॉट dt अलग, माइनस के अंदर x बाहर, x तो कांस्टेंट है हमारे लिए, x तो कांस्टेंट है, x हमारे लिए कुछ ही नहीं, जब तक dt बैठा तब तक तो t कर आ जाए, इनटू में cos pi t dt। सोच लिया आपने, बिटवीन 0 टू 1 एंड इट इज 0 टू 1, यहां क्या लगेगा, आई वी कर लोगे, तो ये कुछ माइनस 2 बाई पाई स्क्वायर, ऐसा मेरे को जो याद है मैं एक बार लिख रहा हूं, ऐसा कुछ आ जाएगा, ठीक है ना, कर लेंगे। फिर भी एक बार के लिए एक बार रोक लेते हैं, एक बार सोच लेते हैं कैसे होगा इंटीग्रेशन, बता देता हूं। आईबीपी अगर लगेगा तो कॉस पाई टी बाहर, ना ना टी बार है ना, आई लेट के हिसाब से ए पहले आता है टी बाद में आता है, ए बार माने टी बार कॉस पाई टी का साइन पाई टी अपॉन पाई, फायदा मिलेगा क्या, हाँ ठीक है, नहीं उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, लेकिन तब तक ये साइन पाई टी बन चुका होगा। चलो जो भी आप कर लोगे ना, इंटीग्रेशन करने के बाद कुछ हद तक यहां पहुंच जाओगे, मुझे जो याद है ना ऐसा कुछ आ जाएगा। एनीवे अब इधर दिमाग लगाता हूं, मेरा दिमाग इधर है, ये तो फर्स्ट केस हुआ, अभी तो बहुत, मेरे को तो आपको केस ही समझाना है, मेरे को तो उसमें ही मेरा सबसे बड़ा एनर्जी जाएगा। सेकंड केस ये है कि हम ये मान लें, देखो जीरो के उधर तो पूरा इन्फाइनाइट तक, माइनस इन्फाइनाइट तक मैं खींच आया, अब मैं खींच रहा हूं जब एक्स जीरो से वन में, सही है, कहां है हमें क्या पता, जीरो से वन में कहां है मुझे क्या पता भाई, पॉइंट सेवन पे हो सकता है, पॉइंट सिक्स पे हो सकता है, पॉइंट टू पे हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ये बात तो आप भी मानते हो है ना। और टी भी जीरो से वन में, अब आई कैसे खुलेगा सर, दोनों ही ऐसे
नहीं, अब कैसे खींचूंगा मैं खींच रहा हूं जीरो से लेके एक्स तक, बड़ा समझना। मान लो एक बार के लिए एक्स की वैल्यू 0.2 है, कितनी है 0.2, अगर एक्स की वैल्यू 0.2 है, ठीक है ना। हाँ, अब यहां सोचो एक्स की वैल्यू अगर 0.2 है तो टी की वैल्यू तो जीरो से वन के बीच में कुछ भी हो सकती है ना। आपको कैसे पता कि टी की वैल्यू 0.2 से कम है कि 0.2 से ज्यादा है? दिमाग लगाया आपने? आपको तो पता ही नहीं है ना टी की वैल्यू क्या है। अब आप कैसे खींचोगे ये बात आप दिमाग लगाओ, मेरे को बताओ। मैं आपको ये हिंट करता हूं कि इस जगह पर दो केस खुलेंगे, जीरो से एक्स, एक्स से लेकर टी तक। अब आप दिमाग लगा लो। मैंने अपनी बात है ना इसमें रख दी, आप समझ नहीं रहे। मैंने देखो आपको, मैंने आपको पूरी लाइन लिखवा दी। सोचो इसको देख के सोच लो। सोचने में आ गया? एक मिनट, मैं भी तो सोच लूं, है ना। जीरो से लेके एक्स और एक्स से लेकर के वन, है ना। अब मैं अपनी बात पहले सही कर लूं, जीरो से लेके एक्स, एक्स से लेकर के वन। नहीं है ये कहानी पकड़ में आई? जीरो से लेके एक्स, एक्स से लेकर के वन। अच्छा, अब मेरे को बताओ आगे इसमें आगे क्या करा जाए, कैसे चलूं? पहले एज इट इज खोल दूं? पक्का नेगेटिव? तो टी माइनस एक्स करके खोलूं? हिंटों में कॉस पाई टी, और अगले वाले में एज इट इज माने एक्स माइनस टी। हाँ, आप x माइनस टी लिखवा रहे हो मुझे, इसका मतलब आपने x को 0 से 1 के बीच में कहीं मान लिया। अरे आपने 0 से 1 के बीच में x को माना है। अभी भी पकड़ में नहीं आया? अरे ये 0 ये 1 ये आपने बीच में कहीं x को माना है, तो आप जब तक यहां तक खड़े हो ना जीरो से लेके एक्स तक, तब तक तो आपका टी बड़ा भाई। तो टी माइनस एक्स पॉजिटिव है, तो या तो टी माइनस एक्स खुलेगा। नहीं है, ऐसा नहीं है। टी कहां गया? बीच में। जैसे बोलोगे मैं तो लिख रहा हूं, मेरे को ये आप मुझे समझा रहे हो, मैं नहीं समझा रहा। पहला वाला एक्स माइनस टी, पक्का श्योर मैं लिख दूं? देखो जो लिखवाए समझा देना है ना। नहीं तो इससे क्या होगा ना, आप में से कई लोग पता है सोच भी लेंगे कि मैं लॉजिकली, मैं खुद को भी तो समझाऊंगा किसी दिन एग्जाम में बैठ के, मैं भी तो किसी दिन समझाऊंगा खुद को, भाई वहां तो मैं ही हूंगा, ठीक है ना। अब इधर क्या बता रहे थे? टी माइनस एक्स, पक्का है ना भाई? इंटो में कॉस पाई टी डॉट डी टी। हाँ भाई लॉजिक सोचो तब तक आप लोग, ठीक है। हाँ भाई दिमाग लगाओ, तब तक मैं एक काम कर देता हूँ ना, मैं आपका अगला काम आसान कर देता हूँ ना। केस नंबर 3, टी आपका, एक्स आपका कैसा है? 1 से बड़ा। एक्स के 1 से बड़ा होते तो लफड़ा ही खत्म हो गया, टी बेचारा तो 0 से 1 में ही रह गया, तो एक्स माइनस टी हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। सोचो आप, तब तक उसको सोच रहे थे आप, क्या लिख रहा था मुझे? एक्स माइनस टी इंटो में कितना? कॉस पाई टी डॉट डी टी, 0 से 1। हाँ भाई सोचो, जीरो से कौन सा वाला नेगेटिव? फर्स्ट वाला नेगेटिव बोलेगा। मैंने ये सही लिखा है? ये सही है गलत है? आपके हिसाब से सही है? और ये वाला दोनों सही है? नहीं। दो मिनट, जीरो से, जीरो से एक्स तक टी की वैल्यू है, बहुत अच्छी बात बोल रहा है ये बच्चा। फिर से दोबारा दिमाग लगाओ, इसने बात इतनी क्लियर लैंग्वेज में बोली, आप दिमाग लगाओ। जैसे ही मैंने ये जीरो से एक्स लिखा, टी ने जीरो से एक्स के बीच में अपनी वैल्यू जमा ली। नहीं समझ में आया? जीरो से लेकर के एक्स लिखते ही, अब ये पीछे डी टी है ना, डी टी जीरो से एक्स तक की वैल्यू ले लेगा। सही है? तो ये ऐसा खुलेगा कि उल्टा? ऐसे ही खुलेगा।
हाँ मेरे को तो शब्द चाहिए थे, आप शब्दों में पिरो और आप बात खुद ही रखो, अभी भी नहीं आया पकड़ में। कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन, जैसे एक्स को अपन 0.3 मान लेते हैं, एक्स को अपन 0.3 मान लेते हैं, सही है ना। तो ये कहानी लिखिए 0 से 0.3, 0.3 से 1, ठीक है। अगर ये 0 से 0.3 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये कि dt 0 से 0.3 के बीच का कोई नंबर है, ठीक है। अब अगर t अगर 0 से 0.3 के बीच का कोई नंबर है तो दिमाग लगाना, जैसे 0 से 0.3 के बीच का एक नंबर अपन 0.2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो अब हमारे t 0.2 हो चुका है और x 0.3 हो गया है, नहीं आया समझ में। अब यहां रखो, ये 0.3 हो गया और ये 0.2 हो गया, तो ये ऐसा कैसा घुलेगा? अभी भी नहीं आया। हाँ ये बहुत पेचीदा काम है, भागना नहीं है, भाग तो अब तो कितने भाग लिए अपन। एक और बार रुक करके सोच लेते हैं ना आप। अब जरा देखो, x से लेकर के 1 के बीच का कुछ ले लिया, ठीक है ना। अब x क्योंकि 0.3 हो चुका था, हमारा डिक्लेयर्ड है, अगर ये है तो इसका मतलब ये कि t अपने आप में 0.3 से 1 के बीच का कोई नंबर है, जैसे 0.7। अगर 0.7 है तो 0.3 माइनस 0.7 इज नेगेटिव, तो ये कैसे खुलेगा? टी माइनस एक्स। अभी भी नहीं आया, इसका मतलब बराबर है। इंटीग्रेशन कोई लफड़ा नहीं है, लफड़ा है ओपन ही नहीं होता, लोग इसको देखना ही नहीं चाहते, इसके केसेस पे डिस्कशन ही नहीं चाहते हम लोग, है ना। तो आप ये बात समझ गए, अपनी शीट का क्वेश्चन है ये, शायद 51 या 52 नंबर, ठीक है। हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते क्योंकि आप हमारे को एक्सरसाइज 3 का डिस्कशन भी नहीं उठाने दोगे ढंग से। तो एक दो क्वेश्चन मैं धीरे से इंपोर्ट कर लेता हूं, मुझे पता है ऐसे क्वेश्चन है ना आपको जरूर सीखने चाहिए, एक एक लाइन के दिखने में, लेकिन आपको पता होना चाहिए मतलब, है ना। चले आगे, ये वाले पॉइंट के अंदर ये समझ में आ गया, एक्स अगर एक से बड़ा, एक्स अगर एक से बड़ा तो एक्स माइनस टी हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया है, क्योंकि टी की वैल्यू तो 0 से 1 ही है, सही है। तो इसको तो आप ओपन कर ही सकते हैं, अभी भी नहीं है, है ना। आप इस लेवल तक सोच जाएं मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात हो जाएगी, ठीक है। बाकी अपन बंद करें या 5 मिनट और चलेगा, 5 मिनट और चल जाएगा, है ना, ठीक है। 8:10 तक भी खेल सकता हूं मैं, बस 8:03 हुए हैं। देखिए मेरा एक पूरा टॉपिक होगा, मैं उठाऊंगा तो फिर बात उठाऊंगा पूरी, है ना, क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा, है ना। हाँ अगला टाइटल ले रहा हूं, ये आपके सोचने से पहले, जितनी देर में आप सोचते हो और बोलते हो उतनी देर में पूरा बोर्ड भर सकता हूं मैं, ठीक है ना। हाँ आप इधर आ जाओ, मेरे को लोग मार्कर से लिखने नहीं देते, आपको पता है जब मार्कर से क्लास होती है ना तो कई बच्चे मना करते हैं सर प्लीज, है ना, नीचे जाके बोल देते हैं उनको सर प्लीज ऐसी क्लास मत देना जो मार्कर वाली हो, ठीक है, क्योंकि इसमें हमारी एफिशिएंसी सिर्फ 70% आती है, 30% आने नहीं देते क्योंकि हमारी स्पीड बहुत धीरे होती है, चौक से बहुत ज्यादा धीरे हो जाती है, मार्कर तो मतलब लपक खेलता है एकदम, है ना। अब तो इस पे आ जाए वॉलीज फार्मूला, ये वॉली फार्मूला क्या है, ठीक है। ये नॉर्मली लोग है ना प्रॉपर्टी 5 और 6 के बाद कराते हैं, सही भाई, प्रॉपर्टी 5 और 6 के बाद कराते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें प्रॉपर्टी 5 और 6 में के लायक कुछ नहीं है, ये तो बहुत काम की चीज है ना। ये दोनों रशियन, इसके बाद एक और पढ़ाऊंगा गामा फंक्शन, दोनों रशियन फार्मूले हैं, ठीक है ना। आपको पता होगा आपका क्रूटोव और कौन सी बुक आती है, इरुडो, ठीक है ना, ये सब कौन है, रशियन है ना। आपको पता होगा आपकी जो सबसे खतरनाक बुक जो सबसे पहले 11th में दी जाती है उसका नाम होता है प्रिलेपको, है ना, मीर पब्लिकेशन है, ठीक है ना। उमीर पब्लिकेशन क्या है, वो सब रशियन है। सबसे अच्छा साइंस पे अगर कहीं वर्कआउट हुआ है, ठीक है ना, तो रशिया में हुआ है। इवन इतना अच्छा हुआ है कि लोगों ने 70s के बाद में तो एक्सपेरिमेंट करना बंद कर दिया, उनके सारे एक्सपेरिमेंट लगभग पूरे हो चुके थे, ठीक है ना, लगभग लगभग सारी चीजें वो समझ चुके थे। इतना बढ़िया भी बोला था, मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है, ये सब तुक्केबाजी भी हो सकती है, ठीक है, अब है ना। लेकिन उन्होंने काम काफी अच्छा कर रखा है, ठीक है। अब वॉलीज बात है, वॉलीज क्या है, ठीक है ना, ये अपने आप में ऐसा फार्मूला है, फार्मूला फॉर इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन एक्स टू द पावर एम एक्स डॉट डी एक्स और 0 to π/2, ठीक है ना, कॉस एक्स टू द पावर एम एक्स डॉट डी एक्स। इसको चाहो तो पावर में एन भी कर सकते हो, एम अगर जैसे अच्छा नहीं लग रहा कॉस एक्स ऐसा, राइट है। लेकिन ये एन कौन है, यहां पर एन के लिए परमानेंट है कि 2 या 2 से बड़ा होना चाहिए। अगर बाय द वे एक बात और, ये 0 से π/2 में ही काम करता है,
ये 0 से पाई बाय 4, 0 से पाई बाय 3 कहीं काम नहीं करता, ठीक है ना। अच्छा, 0 से लेकर के पाई बाय 2 में अगर मान लीजिए sin x की पावर n डॉट dx देखा दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर पावर n है तो आप स्टार्ट करेंगे n माइनस 1 से, फिर दो दो कम करते आएंगे तो n माइनस 3 आ जाएगा, n माइनस 5 आ जाएगा, ऐसा करते जाएं। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक 0 ना आ जाए, 0 से जस्ट पहले रुक जाइए। बात समझ में आ गई? अब आप नीचे आ जाइए, जहां पे भी रुक जाए उसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे आकर के आप स्टार्ट करेंगे n से, फिर दो दो कम करना चालू, n माइनस 2, n माइनस 4, ऐसा करते करते यहां पे भी 0 से पहले रुक जाइए। 0 से पहले रुकने की दो जगह होती है इंटीजर में, या तो आप 2 पे रुकेंगे या 1 पे रुकेंगे, या तो 2 या फिर 1। अगर आप 2 पे रुकेंगे तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आप 1 पे रुके तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सही। और जो चीज मैं आपको साइन के लिए सिखा रहा हूं सेम वर्केबल फॉर कॉस, इसका मतलब समझ लें। मान लीजिए आपको 0 से लेकर के पाई बाय 2 दे दिया गया, साइन एक्स की पावर 5x.dx दे दिया गया और कहा कि इसका इंटीग्रेशन, ठीक है ना। तो साइन एक्स की पावर 5x का इंटीग्रेशन नॉर्मली हमारे लिए बहुत मुश्किल पड़ता है, काफी लेंदी होता है, उस पर फिर वैल्यू डालना और लंबा काम है। अगर ये दे रखा है तो अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 5 है तो स्टार्ट विद 4, फिर 2 कम, 2 2 कम करते ही 0, तब रुक जाओ, नीचे आ जाओ, 0 नहीं आने देना, नीचे स्टार्ट किससे करना है 5, फिर 2 कम 3, फिर 2 कम 1, और 1 से 1 का देखते 1 से मल्टीप्लाई, तो आपका आंसर हो गया 8/15। बात समझ में आ गई? As simple as that, ठीक है ना। अच्छा, anyway, अगला क्वेश्चन देख लें। मान लो क्वेश्चन में दे रखा होता 0 से पाई बाय 2, ठीक है ना, cos x की पावर 6x.dx, बात समझ में आ गई। अगर ये दे रखा है तो इसका मतलब ये हो गया 6 है, ठीक है, तो you'll start with 5, फिर 3, फिर 1, दो दो कम करते चले, नीचे 6, 4, 2, और 2 देखते ही पाई बाय 2, छोटा मोटा कुछ कटे तो ठीक, नहीं तो 15 पाई डिवाइड बाई नीचे की तरफ कितना 16 इंटू 6 96। कहानी पकड़ में आ गई? इतना सिंपल वॉलीज फार्मूला है। और ये इसके क्वेश्चंस में मत दिमाग लगाना, आप ये मत सोचना कि इतने छोटे क्वेश्चन आते भी नहीं है, ठीक है ना। ये जहां एप्लीकेबल है ना वहां के क्वेश्चंस आपको नहीं देखे हुए, जब तक आपने देखा नहीं है तब तक आप बोल रहे हैं, ठीक है। ये तो आपने बस मतलब स्टार्ट देखा है, ठीक है ना। ये जो वॉलीज है, ठीक है ना, अब इसी के साथ में एक चीज और अटैच होती है, दैट इज गामा फंक्शन, सही भाई। हालांकि गामा फंक्शंस इंजीनियरिंग में भी आप पढ़ेंगे और वो थोड़ा सा अलग होगा, वो टॉ के फॉर्म में होगा, हम लोग किसी और फॉर्मेट में कराते हैं, वो क्या वो बताता हूं। ये जो चीज है दैट इज एप्लीकेबल, ठीक है ना, इन इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स टू द पावर एन इंटू में कॉस एक्स टू द पावर एम डॉट डीएक्स, इसमें ही एप्लीकेबल है, याद रखना एन और एम दोनों 2 से बड़े होने चाहिए। बात समझ में आ गई आपको, ठीक है ना। अच्छा, इसके इंटीग्रेशन में क्या करना है वो सुनो आप। अगर इसकी डिग्री n है तो आप n माइनस 1 से शुरू करोगे, फिर दो दो कम करते चलोगे, कहीं तो जाकर के इसकी भी कहानी 0 से पहले रुक जाएगी। जहां n की डिग्री खत्म हो जाए अब आप m पे आ जाओ, m में भी 1 से कम से चालू करो, m माइनस 1, फिर दो कम करते चलो, m माइनस 3, ऐसे करते करते जहां ये 0 से पहले रुक जाए वहां रोक दो, ठीक है ना। रोकते ही अब आप क्या करो, नीचे आ जाओ, नीचे यू विल स्टार्ट विद m प्लस n और फिर दो दो कम करते चलो, m प्लस एन माइनस 1, दो दो, ठीक है, m प्लस एन माइनस 2, m प्लस एन माइनस 4, एंड डॉट डैश। यहां पे भी क्या होगा, दो बातें होंगी, या तो 1 आएगा या 2 आएगा, सही है ना भाई। अगर 2 आ जाए तो पाई बाय 2 से मल्टीप्लाई, और 1 आ जाए तो 1 से मल्टीप्लाई। जैसे मान लो क्वेश्चन में दे रखा है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाय 2 साइन एक्स की पावर 5 इंटू में कॉस एक्स की पावर 7 डॉट डी एक्स, राइट है। अगर मुझे ये क्वेश्चन दे रखा है तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर ये 5 है तो मैं स्टार्ट करूंगा 4, फिर 2, बस साइन की डिग्री खत्म। अगले बात जाओ, कॉस की डिग्री 7 है, 6, 4, 2, नीचे आ जाओ, 7 और 5 12, 12, 10, 8, 4, 8, 6, 4, 2, सही, और 2 देखते ही पाई बाय 2, तो आपको पता चल गया ये दोनों पूरे पूरे उड़ गए, सही है भाई। छोटा ये भी चला गया, तो फाइनली आपके पास रह गया पाई अपॉन 240, क्वेश्चन खत्म। आगे बात। Yes.